दोस्तों आज हम जानेंगे कि कैसे भगवान शिव ने चंद्रदेव की जान बचाई और उनके सर पे आधा ही चंद्रमा क्यों लगा रहता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वेदों की और में। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों पौराणिक कथाओं के अनुसार प्रजापति दक्ष की 27 नक्षत्र कन्याओं के साथ चंद्रदेव का विवाह हुआ। उन सभी में से रोहिणी अत्यंत खूबसूरत थी, अतः चंद्रदेव रोहिणी को बहुत अच्छा मानते थे। यह सब अन्य कन्याओं को पसंद नहीं था। उन सभी ने कई बार चंद्र से इस बारे में बात भी की, लेकिन फिर भी चंद्रदेव केवल रोहिणी को ही अधिक प्रेम करते थे। यह बात अन्य नक्षत्र कन्याओं को बिल्कुल पसंद नहीं थी, अतः इस बात की शिकायत करने वे सभी कन्याएं अपने पिता दक्ष प्रजापति के पास चली गई। दक्ष बहुत ही गुस्सैल स्वभाव के थे। जब दक्ष ने यह बात सुनी तो वे चंद्र के पास क्रोधित होकर गए और उन्होंने चंद्र को क्षय रोग का साप दे दिया, फिर वहां से चले गए। दक्ष के साप का प्रभाव चंद्र पर हुआ और वे धीरे धीरे क्षय रोग से ग्रसित होने लगे और उनकी काल भी खत्म होने लगी। तब नारद जी चंद्रदेव के पास गए और उन्होंने भगवान आशुतोष की आराधना करने को कहा। चंद्रदेव ने नारद की बात मानकर भगवान आशुतोष की आराधना करना प्रारंभ कर दिया, लेकिन चंद्र की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही जा रही थी। जब चंद्र अपने जीवन के अंतिम क्षणों में थे तब भगवान शिव ने प्रदोष काल में चंद्रदेव को पुनर्जीवित का वरदान दे दिया और चंद्र को अपने मस्तक पर धारण कर लिया। तब भी चंद्र की हालत ठीक नहीं हुई थी, इसलिए जब शिव जी ने उन्हें मस्तक पर धारण किया तो वे आधे आकार में ही थे। चंद्रदेव मृत्यु के करीब आकर भी जीवित हो गए। अब धीरे धीरे चंद्र का स्वास्थ्य ठीक होने लगा और वे पूर्णमासी की रात को अपने पूर्ण स्वरूप को प्राप्त हो गए। चंद्र क्षय रोग की पीड़ा सहकर मृत्यु के द्वार तक पहुँच चुके थे। भगवान शंकर ने ही उनकी सभी समस्याओं को हर लिया और उन्हें जीवन दान दिया। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। वीडियो आपको कैसे लगी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।